ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जयराम ठाकुर ने पार्टी को मजबूत करने के लिए आखिर अपना कुनबा बढ़ाना शुरू कर दिया है। प्रत्येक जिला में अपने नजदीकियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देकर अपने सिपाही खड़े करना शुरू कर दिया है। इसी के तहत सोलन में कई वर्षों से बनवास काट रहे पूर्व मंत्री भाजपा के धुरंधर नेता महेंद्र नाथ सोफत की वापसी हुई है। पार्टी में शामिल होने के बाद जब महेंद्र नाथ सोफत सोलन पहुंचे तो उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। जयराम ठाकुर ने पार्टी को मजबूत करने के लिए आखिर अपना कुनबा बढ़ाना शुरू कर दिया है। प्रत्येक जिला में अपने नजदीकियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देकर अपने सिपाही खड़े करने भी शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत सोलन में कई वर्षों से वनवास काट रहे पूर्व मंत्री और भाजपा के धुरंधर नेता रहे महेंद्रनाथ सोफत की वापसी हुई है। क्यास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी ने यह निर्णय इसलिए लिया है ताकि राजीव बिंदल के जाने से पार्टी कमजोर व नेता विहीन हो चुकी है, पार्टी को एक बार फिर से मजबूत लीडर मिले और पार्टी में फिर से नए रक्त का संचार हो। पार्टी में शामिल होने के बाद महेंद्र सोफत सोलन पहुंचे तो उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया तथा फूल मालाएं डालकर उनका स्वागत हुआ। सोफत ने कहा कि प्रदेश को एक युवा मुख्यमंत्री का नेतृत्व मिल रहा है और उनके सत्ता में आने से प्रदेश में भाजपा बेहद मजबूत हुई है और उन्हें आज बेहद खुशी है कि वे अपनी पार्टी में एक बार फिर से शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व को ये आश्वासन दिया है और ये प्रण लिया है कि वे प्रदेश में भाजपा को मजबूत करने के लिए पूर्ण शक्ति से काम करेंगे। जीवन है, इसमें कई प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, परिस्थितियां बदलती भी हैं, समय भी बदलता है। अब फिर एक हिमाचल प्रदेश में नया परिवर्तन हुआ है कि युवा हाथों में यहां का नेतृत्व आया है और मेरा ये मनन है कि भाई जो सरकार हिमाचल में है वही सरकार दिल्ली में बननी चाहिए ताकि दिल्ली से ज़्यादा वित्तीय सहायता हमें मिले, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से सहयोग मिले। हिमाचल प्रदेश युवा हाथों में है और उसी तेजी से युवा कदमों से विकास के रास्ते पर आगे बढ़े, इसलिए हमने घर वापसी की है। मैं और मेरे साथी आप पूरी यथाशक्ति के साथ भाजपा को मजबूत करने के लिए, श्री जयराम जी के हाथ मजबूत करने के लिए, दिल्ली में केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। हम यहाँ आकर आज बहुत खुश हैं और अपने पूरे दमखम के साथ हमारी सारी की सारी टीम यहाँ पर अब चुनाव कैंपेन में जुटेगी। ऐसा ही आश्वासन हमने हिमाचल की भाजपा नेतृत्व को दिया है। एक बार फिर मैं अपने साथियों से ये अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि ये एक आर पार की लड़ाई है, जो सरकार शिमला में है वही सरकार दिल्ली में होनी चाहिए, इसके लिए काम करें। जहाँ एक और विशेष गुट महेंद्र सोफत की वापसी से खुश नजर आ रहा है, वहीं बिंदल गुट में इस वापसी को लेकर बेहद खलबली मची है। इस एंट्री को लेकर अंदर खाते विरोध भी किया जा रहा है और इस एंट्री को बिंदल गुट के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अब भविष्य में देखना होगा कि जयराम द्वारा उठाए इस कदम से सोलन और भाजपा को कितना फायदा पहुंचता है।